अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हेलो गाइस, नॉलेज अड्डा प्लस टैग ज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की एक बहुत ही अच्छी न्यूज लेकर आया हूँ, तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके मत कीजिएगा। दो व चार पहिया समेत सभी प्रकार के वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। यूपी में 1 अप्रैल 2019 के पहले के पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अब जरूरी नहीं होगा, क्योंकि परिवार विभाग के HSRP लगवाने की अनिवार्यता पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। ऐसे में 22 अक्टूबर 2020 को परिवहन विभाग के दिशा निर्देश को वापस ले लिया गया है। कहीं ऑनलाइन आवेदन में दिक्कतें आ रही थी तो कहीं नंबर प्लेट में बदलने मनमानी जैसा पैसा लिया जा रहा था। परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त AK पांडे ने कहा अब HSRP लगवाना ज़रूरी नहीं है, अब बुकिंग के लिए परिवहन विभाग खुद बनाएगा अपनी वेबसाइट। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग को आसान बनाने के लिए परिवहन विभाग खुद वेबसाइट बनाएगा। इसके लिए विभाग सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर से मिलकर पोर्टल तैयार करेगा। इसके बाद ही HSRP लगवाने की अनिवार्यता की तारीख तय की जाएगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पुराने वाहनों में अब जरूरी नहीं है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को लेकर चल रही कशमकश फिलहाल खत्म होते दिखाई दे रही है। पुराने वाहनों पर नंबर प्लेट के लिए डीलरों की ओर से वसूली की शिकायत तमाम जिलों में पहुंची तो परिवहन आयुक्त ने तत्काल पूर्व में जारी आदेश को रद्द कर दिया है। पुराने वाहनों के लिए बाद में दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। करीब माह भर पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर लोगों में दिक्कतों का सामना पड़ रहा था। इसे देखते हुए शासन ने फिलहाल पुराने 2, 3 व 4 पहिए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। साथ ही नंबर प्लेट के बिना वाहन संबंधी प्रतिबंधित किए जाने वाले काम के आदेश को भी रद्द कर दिया है। बताते हैं कि बीते दिनों में जब शासन ने पुरानी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया था तब से वसूली शुरू हो गई थी, जिसकी तमाम शिकायतें शासन तक पहुंची। आयुक्त संभागीय परिवहन अधिकारी शासन RP सिंह के मुताबिक शिकायतों पर परिवहन विभाग के आयुक्त AK पांडे ने आदेश जारी किया है। इसके अनुसार पुराने वाहनों में HSRP लगाना भी जरूरी नहीं है, इस संबंध में बाद में आदेश जारी होगा। बताया कि अब विभाग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए वेबसाइट तैयार कर रहा है। नए निर्देश के तहत पुराने वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीकरण, नवीनीकरण, अनुमति प्रमाण पत्र, परमिट आदि कार्य बगैर HSRP भी होंगे। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।